अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मुहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं, तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000, जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए, इस वक्त पहली बड़ी खबर गज़ा और फ़लस्तीन के हालात को लेकर आ रही है। जी हाँ, इज़राइल और अमरीका का आतंकवाद अब पूरी दुनिया के सामने खुल कर आ गया है और पूरी दुनिया समझने लग गई है कि अमरीका सबसे बड़ा आतंकवादी, इज़राइल सबसे बड़ा आतंकवादी है। इस वक्त खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल तो UNO के स्कूल पर, अक़वामे मुत्तहदा ने जो स्कूल गज़ा पट्टी में बनाया है, उस पर फास्फोरस बमों से इज़राइली अमरीकी आतंकवादियों ने हमला किया। इज़राइल ने जबालिया कैंप पर भी वहशियाना दरिंदगी जारी रखी और अब फ़लस्तीन के शहीदों की तादाद 10,000 तक पहुंच गई है। शाती और बोरिश कैंप को भी निशाना बनाया गया। वहीं पर हमास भी ज़बरदस्त अंदाज में टक्कर दे रहा है। हमास ने कई टैंक, इजरायली और अमरीकी आतंकवादियों के कई टैंक और कई गाड़ियों को तबाह कर दिया। इजरायली कमांडर समेत 18 फौजियों को हलाक कर दिया। बहरीन ने इजराइल से ताल्लुकात मुनक़ते करने का ऐलान कर दिया। मैं आपको बताऊं कि 188 ब्रिगेड का कमांडर सलमान भी हलाक हुआ है। वहीं पर हलाक होने से पहले इजरायली फौज की तस्वीर, ये सभी हमास के हमले में मारे गए हैं। यानी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 लोगों की, तो ये तस्वीर उन लोगों की है जो बाकायदा हमास ने इन इजरायली फौजियों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि कम से कम 18 कमांडर इजरायलियों के मारे गए हैं। बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ प्यारे मुल्क की खबर है, लेकिन गज़ा और फ़लस्तीन के मासूम शहीदों को लेकर खबर है। जी हाँ, हमारे मुल्क में भगवा आतंकवादियों में अजीब किस्म के आतंकवादी छुपे हैं। एक आतंकवादी था यश, कट्टर हिंदुत्व आतंकवादी। कुछ दिनों पहले गज़ा के मासूम शहीद बच्चों का इसने मजाक उड़ाया था। अल्लाह ने सजा दी और गुज़िश्ता कल अपने रूम में मुर्दा पाया गया। जी हाँ, इत्तलात के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने की वजह से इसकी मौत हुई है। और भी लोग हैं जो अभी प्रचार सभा में बाकायदा इजराइल के हमलों को जायज़ कह रहे हैं। उन नालायकों को समझ में नहीं आ रहा है कि 10,000 मासूम आम शहरी फ़लस्तीनी बच्चे, औरतें मारी गई है। तो जैसे यश को दिल का दौरा आ गया, अल्लाह ने सज़ा दी फ़लस्तीन के मासूम शहीदों का मजाक उड़ाने पर, ऐसे ही और भी जो भी कमीने होंगे जो मुल्क में गज़ा के मासूम शहीदों का मजाक उड़ा रहे होंगे या इज़राइल के और अमरीका के आतंकवादी हमले को जायज़ ठहरा रहे होंगे, अल्लाह उनको भी सज़ा ज़रूर देगा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क का एक एक सबसे बड़ा दीनी तालीमी मरकज़ है, इदारा है दारुल उलूम देवबंद, जिसकी सुनहरी तारीख है। अंग्रेज सबसे ज़्यादा घबराते थे तो दारुल उलूम देवबंद से, क्योंकि मुजाहिदीन आज़ादी स्वतंत्र सेनानी यहीं से पैदा हुए, यहीं से निकले। तहरीक रेशमी रुमाल और इनकलाब जिंदाबाद और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे लगाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, ये बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानी दारुल उलूम देवबंद से निकले और दारुल उलूम देवबंद का मुल्क पर और मुल्क की तमाम जनता पर बड़ा एहसान है, क्योंकि मुल्क की आज़ादी में बड़ा रोल अदा किया है दारुल उलूम देवबंद ने। तो मैं इस वक्त खबर कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने गुज़िश्ता कल बिल्कुल खुल कर ये कहा दारुल उलूम देवबंद की और देवबंद की तारीफ करते हुए कि अंग्रेजों के खिलाफ देवबंद की तारीख को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साबिक रुकन असेंबली मुआविया अली के बेटे की शादी के प्रोग्राम में शिरकत करने देवबंद आए साबिक वजीर आला एक्स सीएम उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने यहाँ अशफाकुल्ला खान रोड पर वाक़े साबिक वजीर आजानी राजेंद्र सिंह राणा के बेटे कार्तिक राणा के रिहाइश गाह पर कारकुनान से मुलाकात की और 2024 इलेक्शन के मद्देनज़र उनमें जोश भरा और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनका मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी को हर हाल में हराना है। वहीं पर फिर उन्होंने देवबंद की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ देवबंद की तारीख को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज़म खान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम आज़म खान के साथ खड़े हैं। रियासत महाराष्ट्र की मराठा रिजर्वेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जारंगे पाटिल, मनोज जारंगे पाटिल ने आखिर गुज़िश्ता कल अपनी भूख हड़ताल अपना अनशन ख़त्म कर दिया और मराठा रिजर्वेशन के लिए हुकूमत को 2 जनवरी की नई डेडलाइन उन्होंने दी है और कहा कि अगर 2 जनवरी तक हुकूमत ने रिजर्वेशन के मुद्दे को हल नहीं किया तो फिर 2 जनवरी से एक नया आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा। और आप जानते हैं कि मराठा रिजर्वेशन का जो आंदोलन है वो महाराष्ट्र में हिंसक हो गया, तशद्दुद फूट पड़ा, गाड़ियों को, बंगलों को, मकानों को आग लगाई गई। इसी दौरान एमएलए प्रकाश सोलंके के घर पर भी आगजनी हुई जिसमें 3 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। मराठा आंदोलनकारियों के अलावा एमएलए प्रकाश सोलंके का कहना है कि मराठा आंदोलनकारियों के अलावा जो समाज दुश्मन अनासिर है, जी हाँ, उन्होंने भी मेरे बंगले पर हमला किया। तो खैर आपको मालूम है कि मराठा आंदोलन महाराष्ट्र में काफ़ी हिंसक हुआ। नाज़रीन, बिहार के छपरा से बड़ी खबर आ रही है कि छपरा में एक कश्ती हादसा हुआ। अब तक 4 लाशें मिल चुकी है लेकिन 14 मुसाफिर कश्ती में बैठे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पूरे घाट पर अफरा तफरी मच गई, एनडीआरएफ राहत रसानी में मसरूफ है। मैं आपको बताऊं कि बिहार के छपरा में कश्ती हादसे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सरयू नदी में मुसाफिरों से भरी कश्ती पलट गई। इस वाक़े में अब तक 4 लोगों की लाशें मिल गई है, 14 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। अंधेरे की वजह से कई लोगों का सुराग नहीं लगाया जा सका है। अंधेरे की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई पुलिस ने जाली, डुप्लीकेट, फर्जी बैनुल अक्वामी यानी इंटरनेशनल नौकरियों के दिलाने का जो रैकेट था उसका पर्दाफाश किया। सोशल मीडिया के जरिए से ये लोग वीज़ों का इश्तिहार देते थे और इश्तिहार देकर फिर धोखा देते थे। मुख्तलिफ शहरों से 5 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है। एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया था कि कुछ धोखाबाजों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ऑफिसेस कायम करके ओमान, दुबई, सऊदी अरब, कतर और रूस की नामवर कंपनियों में अच्छी मुआवजे, अच्छी पेमेंट पर नौकरियां दिलाने का इश्तिहार देकर बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया। उसके बाद यूनिट 5 के इंचार्ज इंस्पेक्टर घनश्याम नायर की रहनुमाई में इंस्पेक्टर सदानंद ब्रेखर, बालासाहेब शिंदे, अजीत साहब, जयदीप जादव, सब इंस्पेक्टर विजय बंडाले और टीम ने जांच शुरू की जिसमें मुख्तलिफ शहरों से 5 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है। मुलजमीन का यह गैंग दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, भिवंडी और मुंबई में सरगर्म है। आपका पर्सनल डॉक्टर डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि विधायकों की नाअहली, मेंबराने असम्बली के नाअहली का मामला, उसकी समाअत अब 21 नवंबर को होंगी। ईमेल के जरिए व्हिप भेजे जाने के मामले पर दोनों ग्रुप आपस में भिड़ गए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद और डांट के बाद असम्बली स्पीकर ने मेंबराने असम्बली के नाअहली के मामले की समाअत में तेजी लाई है। सूचना एमएलए की नाअहली के मामले में असम्बली स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने गुज़िश्ता कल समाअत हुई। अब अगली समाअत 21 नवंबर को होंगी। इसके कागजात 16 नवंबर तक जमा कराने होंगे। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त राजस्थान में इलेक्शन की हवा है और प्रचारों प्रसार शुरू है, लेकिन राजस्थान में योगी आदित्यनाथ ने इंतहाई घटिया हरकत की। जी हाँ, घटिया हरकत क्या की कि इजराइल के हमलों की तारीफ की। अब इस बेदर्द, इस जालिम और इस गंदे जहन के आदमी को नहीं मालूम है कि इजराइल के नाजायज और आतंकवादी हमलों से कितने मासूम बच्चे मरे हैं। 4000 से ज़्यादा मासूम बच्चे, 3000 के करीब औरतें, और ये घटिया किस्म का जहन रखने वाला आदमी योगी आदित्यनाथ इलेक्शन में सिर्फ हिंदुत्व और भगवे टोले को खुश करने के लिए कि देखो कितने मुसलमान इजराइल ने मार दिया, तो इसने इजराइल के हमलों की तारीफ की, जिसकी वजह से आम पढ़े लिखे समझदार किस्म के हिंदू लोग भी योगी आदित्यनाथ पर थूक रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने गजा के मजलूमों का और गजा में होने वाले मासूम शहीदों का मजाक उड़ाया। और मजाक उड़ाते हुए योगी आदित्यनाथ ने घटिया जबान का इस्तेमाल करते हुए कहा कि तालिबान मसले का हल बजरंग बली का गदा है, लेकिन इस शख्स ये भूल गया कि यह तालिबान वाला मामला नहीं है। मजलूम फलस्तीनी अपनी जमीन पर कब्जा करने वाले आतंकवादियों, इजरायली, यहूदी और अमरीकियों से लड़ रहे हैं। वो स्वतंत्र सेनानी है, वो मुजाहिदीन आज़ादी है। और गुज़िश्ता कल योगी आदित्यनाथ की इस घटिया हरकत पर यूं समझिए कि हजरत मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान आया और हजरत मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जो लोग अपनी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे करने वालों से लड़ रहे हैं वो आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि जिन्होंने कब्जा किया यानी इजराइल और यहूदी, ये आतंकवादी है। खैर, योगी आदित्यनाथ की घटिया हरकत और नीच हरकत हिंदुओं को भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हिंदू भाई भी देख रहे हैं कि हजारों मासूम दूध पीते बच्चे इजराइल के हमलों में मारे गए हैं और इजराइल के हमलों की यह घटिया शख्स तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, तमिलनाडु से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, तमिलनाडु में 2 दलित नौजवानों के कपड़े उतारने और पेशाब करने के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी दलित आदिवासियों के खिलाफ पूरे मुल्क में मनुवाद और ब्राह्मणवाद का जो गंदा जहर और नफरतों वाला जो जहर है लोगों के दिमाग में भरा हुआ, वो अभी भी लगातार सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा होता रहता है, लेकिन अब ये तमिलनाडु से खबर आ रही है कि तमिलनाडु के एक स्कूल में मुबैना तौर पर दलित बहन भाइयों पर हमला करने के बाद ऐसा ही एक और वाकया बुध को सामने आया, जिसमें कुछ नशे में धुत लोगों ने 2 दलित नौजवानों के साथ मारपीट की, उन्हें नंगा किया, बरेना किया और उनके साथ नस्ल परस्ताना बर्ताव करते हुए उन पर पेशाब किया। पुलिस जराये ने बताया कि मनोज कुमार 21 साल और उसका दोस्त मेरेपिन 19 साल ये नदी में नहाने के बाद घर वापस आ रहे थे, तभी नदी के पास मुबैना तौर पर शराब पी रहे मुलजमान ने उन्हें रोका और उनसे उनके घर और जात के बारे में पूछा और फिर उसके बाद उनके कपड़े उतारकर उनके बदन पर पेशाब किया। आए दिन बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, आलमी चीफ जस्टिस सेमिनार, यानी पूरी दुनिया के जितने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका सेमिनार, जिसमें 61 कंट्रीज 61 मुल्कों के चीफ जस्टिसों की शिरकत हुई और इन तमाम दुनिया के तमाम जजों ने जंग के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया और कहा कि जंग, कोई भी जंग मसाइल का, समस्याओं का, प्रॉब्लम का हल नहीं, बल्कि उन्होंने रूस यूक्रेन की जंग, ऐसे ही इजराइल हमास की जंग, इस पर भी तश्वीश का इजहार किया और तमाम जजों ने एक आवाज़ में कहा कि इन तमाम मसाइल का हल मुनसिफाना तौर पर होना चाहिए। और यकीनन अगर इंसाफ के साथ मुनसिफाना तौर पर फ़लस्तीन का और इजराइल का मामला सामने रखा गया तो इजराइल दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी खुलकर सामने आएंगे कि किस तरीके से यहूदियों ने, इजराइलियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर, जिन फ़लस्तीनियों ने इन कुत्तों को रहम खाकर रहने के लिए थोड़ी सी जगह दी थी, इन कुत्तों ने, पूरे इजराइल ने, पूरे यहूदियों ने फ़लस्तीन की पूरी सरजमीन पर कब्जा किया। तो अगर सचमुच इंसाफ के साथ अगर देखा जाए, मुनसिफाना हल अगर तलाश किया जाए तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। और दुनिया के तमाम चीफ जस्टिस ने इसी बात को बार बार जोर देते हुए बयान किया कि मुनसिफाना हल किया जाए।